मैं हमेशा देखता हूँ लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक की फाइंडिंग आती है ECG में, सोचा कि मैं इस पर वीडियो बना ही डालूँ। लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक को लेफ्ट एंटीरियर फैसिकुलर ब्लॉक भी बोलते हैं। ये एक फॉल्टी कंडक्शन है या फेल्योर ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। देखिए इसमें आप समझ लीजिए कि जो बंडल ऑफ हिस होता है वो डिवाइड करता है राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। लेफ्ट बंडल ब्रांच फर्दर एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच में डिवाइड करता है, जिसे हम लोग फैसिकुलर ब्रांच कहते हैं, और इन्हीं फैसिकुलर ब्रांच में कंडक्शन फेल्योर होने को ब्लॉकेज कहते हैं। तो इस ECG में हमें एंटीरियर हेमी ब्लॉक के बारे में बताया गया है। तो एंटीरियर हेमी ब्लॉक में ब्लॉकेज है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं हो रही है, नो मोर इलेक्ट्रिकल सप्लाई। याद रखें ये आर्टरी वाला ब्लॉक नहीं है, ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है ना, इस्कीमिक हार्ट डिजीज नहीं है, ये फॉल्टी कंडक्शन वाली पैथोलॉजी है, ठीक है, फॉल्टी कंडक्शन वाली पैथोलॉजी है। इट इज़ ए हार्ट ब्लॉक, इट इज़ ए सब डिवीज़न ऑफ हार्ट ब्लॉक है ये। तो इसका इलाज मुमकिन है, दवा चलती है बेहतरीन, एकदम मरीज टनाटन हो जाता है। कभी भी आपको ब्लॉकेज के बारे में ECG में अगर फाइंडिंग आए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 100% इसका कंप्लीट इलाज है बाय मेडिकेशन। आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा आपकी मदद कर पाएंगे। तो जब ECG में लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक लिखा हुआ है तो हम कैसे इसको कन्फर्म करेंगे कि वाकई में एंटीरियर ब्लॉक हुआ है? तो क्या है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, क्या है इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, क्या है पहचानने का, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग नोटिस करते हैं कि QRS कॉम्प्लेक्स कितना है। QRS कॉम्प्लेक्स हमेशा वेंट्रिकल्स के बारे में बताता है, एट्रिया से इसका कोई लेना देना ही नहीं, कोई लेना देना नहीं अपर चैम्बर से, सिर्फ दोनों नीचे वाले चैम्बर से लेना देना है QRS कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो ब्लॉक होगी तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई डीले होती है, जिससे हमें प्रोलॉन्ग QRS कॉम्प्लेक्स मिलता है, ड्यूरेशन मिलता है। तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 120 मिलीसेकंड मिलेगा, यहाँ पे 124 है। पहली चीज़ हम ध्यान देंगे QRS ड्यूरेशन कितना है, बढ़ा हुआ मिलेगा। दूसरी फाइंडिंग क्या मिलेगी हमें, हमें लेफ्ट एक्सिस डिविएशन मिलेगा। लेफ्ट एक्सिस डिविएशन ECG में कैसे पता करते हैं, यहाँ पे है QRS कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे इसका एंगल है माइनस 68 डिग्री, मीन्स लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है। और ECG ग्राफ QRS कॉम्प्लेक्स के माध्यम से हम कैसे लेफ्ट एक्सिस डिविएशन को पता करते हैं, सबसे पहले लीड वन में देखेंगे। लीड वन में हमें QR स्मॉल Q और बिग R मिलता है। S वेव जो होती है, S वेव ये एब्सेंट होगी या निग्लिजिबल होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे है P, यहाँ पे है स्मॉल Q, फिर R, और फिर ये S वेव यहाँ पे नहीं है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर ही है। आप दूसरे वाले ग्राफ में देख सकते हैं ये है Q, ये है R और ये S, ये Q के ऊपर ही है, आप देखेंगे Q के ऊपर है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से करीब करीब इसके हॉरिजेंटल प्लेन में है। तो S वेव हमें निग्लिजिबल मिलेगी या एब्सेंट मिलेगी, पहली बात। लीड टू, लीड थ्री और AVF में हमें पैटर्न मिलेगा स्मॉल R और बिग S का। आप यहाँ देखें, टू की बात करेंगे, टू में ये R है स्मॉल और बिग S वेव है, बिग S है, यहाँ हमें RS मिल रहा है। थ्री में भी स्मॉल R, बिग डीप S वेव, लार्ज डीप S वेव। AVF में भी स्मॉल R, चूँकि यहाँ पे Q निग्लिजिबल है, अब्सेंट है, तो R और S ऐसे होता है ना, ये P हो गया, फिर ये छोटा सा Q, फिर लंबा सा R जाता है, फिर छोटा सा S यहाँ नीचे आता है, फिर ऐसे रहता है, फिर T वेव ऐसे बनता है ना। तो ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। Q की तुलना में S थोड़ा डीप रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के बराबर ही है, यहाँ पे Q का कोई डिप्रेशन हुआ ही नहीं है, डिफ्लेक्शन निगेटिव है ना, लोअर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब कि Q गायब है। तो हमें R छोटा सा स्मॉल प्रोग्रेशन हुआ है ना, स्मॉल प्रोग्रेशन है, यहाँ पे बड़ा सा प्रोग्रेशन नहीं है, स्मॉल प्रोग्रेशन है स्मॉल R, और बिग डीप S वेव मिल रहा है यहाँ हम लोग को। तो हमें R और S मिलेगा टू थ्री और AVF में, ठीक है।
और ब्रॉड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलता है, ब्रॉड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ग्रेटर देन 120 मिली सेकेंड, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का जो एक्सिस है वो -68 एक्सिस है, है ना, डिग्री। तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है, ब्रॉड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है 120 मिली सेकेंड, एंड द नेट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव इन लीड वन, द नेट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज निगेटिव इन लीड टू, एंड द नेट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज निगेटिव इन लीड थ्री, एंड नेट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन लीड ए वी एफ इज निगेटिव। इसका मतलब कि लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है। तो ये है इंटरनेशनल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक पता करने का, या लेफ्ट एंटीरियर फैसिकुलर ब्लॉक को पता करने का। तो ये फैसिकुलर ब्लॉक होता है कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, द मेन पंपिंग ऑर्गन है, द मेन पंपिंग चैम्बर ऑफ हार्ट। ये ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन करता है, ये पूरे बॉडी में इसको ब्लड फेंकना पड़ता है, इसलिए इसकी मसल काफ़ी मोटी होती है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इसको बहुत जो है, चूँकि जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है उसको ताकत भी देनी चाहिए। तो ये जो है इजेक्ट करता है, इजेक्शन फ्रैक्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन करता है, न्यूट्रिशियस ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड सप्लाई करता है होल ऑफ द बॉडी टिश्यू। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा।